अब मेडिकल स्टोर संचालकों को सरकार द्वारा निर्धारित सैनिटाइजर और मास्क के मूल्य सूची रेट लिस्ट अब मेडिकल स्टोर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना होगा जरूरी। जिलाधिकारी रामपुर के निर्देशानुसार आज मिलक पहुंचे औषधि निरीक्षक रामपुर राजेश कुमार द्वारा मिलक सड़क के मेसर्स अग्रवाल मेडिकल स्टोर, शुक्ला मेडिकोस, शुक्ला मेडिकल एवं सिंह मेडिकल स्टोर मिलक रामपुर का सघन चेकिंग की गई, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने एवं कराने के बाद रजिस्टर में अंकित करने के बाद ही दवाओं की बिक्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल संचालकों को दिए गए सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स एवं जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी हासिल की एवं साथ ही सभी की निर्धारित मूल्य एवं बिक्री पर भी सघन चेकिंग की गई। सघन चेकिंग के दौरान जो मेडिकल स्टोर स्वामी अपनी दुकान बंद करके भाग गए, उनको भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति की गई तो नियमानुसार विविध कार्रवाई की जाएगी एवं दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने के निर्देश दिए और सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए तथा दुकानों पर कम से कम स्टाफ को रखा जाए, जिससे दुकान में अनावश्यक भीड़ ना हो तथा सभी प्रकार के प्राथमिकता पर आरोग्य सेतु एवं डाउनलोड कराकर दवाओं की बिक्री के निर्देश दिए तथा अपने दुकानों पर सरकार द्वारा सैनिटाइजर मास्क के निर्धारित मूल्य की रेट चस्पा करने के बाद अपनी दवाओं को बेचें। अगर किसी भी दुकानदार द्वारा दवा के दुकानों के सामने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिखा है या लिया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद रामपुर के सभी मेडिकल स्टोर की सघन चेकिंग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें सभी फर्म स्वामियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने कराने के उपरांत ही दवाओं पर बिक्री किया जाए एवं जीवन रक्षक दवाओं एवं संबंधित सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं तथा साथ ही साथ सभी दवाओं विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी प्रशासन रामपुर के आदेशों का 100% कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अगर जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने वाले एवं अनियमितताएं बरतने वाले मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त की संतुष्टि कर दी जाएगी। रामपुर से ब्यूरो संवाददाता वीरेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट। आपके आने के बाद मेडिकल जो स्टोर हैं, संचालक हैं, उन्होंने मेडिकल सब स्टोर बंद कर दिए हैं, तो सर क्या आपको लगता है? ऐसा है कि देखो, मैं सभी मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मैंने बात की है कि एक से गलत मैसेज जाता है। आप अपनी जगह सही हैं तो बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा तो औचक निरीक्षण है, हम लोग निरीक्षण करते हैं, जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं। किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि नियम संगत काम करना है। जिलाधिकारी महोदय साहब का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अनियमितता न बरती जाए, लापरवाही न बरती जाए और जो सैनिटाइजर है, मास्क है और जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता पर्याप्त रूप में होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए और किसी भी दवा का, मास्क का, सैनिटाइजर का किसी भी तरह से कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आरोग्य सेतु के लिए हमारे डीएम साहब ने बार बार निर्देशित किया है और हम मेडिकल स्टोर वालों को एसोसिएशन के माध्यम से ही जागरूक कर रहे हैं कि हर हालत में जो भी दवा लेने आ रहा है उसको आप मोटिवेट करिए कि भाई आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल हमारे एसोसिएशन के लोगों ने भी यहाँ भी की है और जनपद के अन्य जगह भी कर रहे हैं। एक बैनर लगा के हर दुकानदार ने लगाया है, उससे वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि हर हालत में आप आरोग्य सेतु को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, जिससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, फिर रख पाएंगे और हर हालत में हमें एक दूसरे की समाज में ऐसी विषम परिस्थिति में मदद करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने ये बंद की है, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके दोबारा इस तरह की अगर ये हरकत करेंगे तो इनके लाइसेंस कैंसिलेशन और निलंबन की संस्थे के लिए मैं विभागीय कार्रवाई करूँगा। तो सर जैसे कि बंद हुए हैं तो ये मान लीजिए कि अवैध रूप से चलाना अवैध तरीके से हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इनके पास मोस्टली ये लाइसेंसधारी हैं और इनको फेस करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। और ये लोग भी तो निरीक्षण करा रहे हैं, सिंह मेडिकल स्टोर पर किया मैंने, अग्रवाल मेडिकल स्टोर और आप देखिए मैं शुक्ला मेडिकल स्टोर पर बैठा हूँ। सर क्या ये मान लीजिए कि सर आपको खौफ है? नहीं, खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को सही काम करना है, सही काम करना है और सही काम करके ही आगे बढ़ना है। उससे क्या है, देखो मेडिकल लाइन ऐसी है कि लोगों की बहुत आज के समय में सबसे ज़्यादा दवा की ज़रूरत है, तो लोगों को आप दुकानें बंद करेंगे तो आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी। क्या कुछ पाया आज के निरीक्षण में आपने? हाँ, मैंने निरीक्षण किया तो अभी डायरेक्शन भी दिया, अपनी तरफ से भी डायरेक्शन दिया, रिटर्न में भी डायरेक्शन दिया कि आप सभी मेडिकल स्टोर मतलब रेट का चस्पा करेंगे, मूल्य सूची है उसको लगाएंगे, सैनिटाइजर और मास्क की आरोग्य सेतु के लिए सब लोगों को मोटिवेट करके डाउनलोड कराएंगे 100%। और दवाएं जो लेने आता है, आप अगर उसका मोबाइल नंबर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको अगर वो नहीं कर पा रहा तो खुद भी मदद कर दीजिए।
और रेट चस्पा करिए और हर चीज़ का बिल काट के दीजिए, बिल से दवाओं का क्रय विक्रय करिए। कोई भी अनियमितता है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, कोई भी निरीक्षण के दौरान कोई भी खामियां किसी भी मेडिकल अभी रेट वगैरह चस्पा नहीं है। आग्रह के क्षेत्र के लिए हमने रजिस्टर के लिए भी इन्होंने बोला है और जिनकी बिल बुक वगैरह में कमियाँ थी उनको मैंने डायरेक्शन दिया है कि आप बिल बुक भी प्रॉपर कराएँ और रिटर्न में रेट को चस्पा करके गेट पे लगाएं और बैनर लगा हुआ है एक रजिस्टर भी मेंटेन कर लें कि आपने पूरे दिन में कितने लोगों को आरोग्य सेतु अपलोड कराया है, डाउनलोड कराया है, ये सब डायरेक्शन हमने रिटर्न में दिए। सर, एक चीज़ देखने को और मिली नगर में कि जो एसोसिएशन पदाधिकारी है केवल उनकी दुकानें खोल रही हैं, बाकी पूरे मेडिकल स्टोर बंद है। अभी हमने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी मैंने ये चीज़ बोली है कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन आप फ़ोन से लोगों को बता के अगर ये दोबारा से पुनरावृत्ति होगी तो ये मतलब विधिक संगत नहीं है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई फिर की जाएगी। मतलब हर हालत में निरीक्षण के लिए आपको तैयार रहना है भाई, हम आके कमियां बता रहे हैं उनको आपको पूरा करना है। और आप दुकान बंद करके जाएंगे तो आम जनता को दवा की दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं होगी भाई। चार दुकानें हैं, ओवरलोडेड रहेंगी, लोगों की भीड़ लगेगी, अनावश्यक भीड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप अपनी तरफ से भी, आपका भी बहुत सहयोग रहेगा कि आप पेपर के माध्यम से भी ये चीज़ें दीजिए कि भाई अगर इन दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति करेंगे तो इनके खिलाफ हम निलंबन निरस्तीकरण की कार्रवाई संस्तुति करेंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।